जब पहली बार सिद्धार्थ ने मुझे अर्जुन के लिए कहा था, आई वॉज वेरी एक्साइटेड ऑफ कोर्स बिकॉज अर्जुन द कैरेक्टर इट्सेल्फ, इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, इट्स सच अ बिग कैरेक्टर। पहले से इतनी बातें सुन चुके हैं अर्जुन के बारे में, इतने लोगों के लिए मिसाल हैं वो, तो काफ़ी कुछ दिमाग में चल रहा था। थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि मेरी हिंदी थोड़ी कमज़ोर थी। फिर हमारी डिक्शन क्लासेस हुई और फिर हमारी वेपन ट्रेनिंग हुई। काफ़ी एक साल ऑलमोस्ट लगा हमें वहाँ तक पहुँचने में। जिस दिन मैंने महाभारत साइन किया उसके बाद जब मैं बाकी स्टारकास्ट से मिला तो हम सिर्फ एक ही बारे में डिस्कस करते थे, महाभारत। हम जब भी साथ में बैठते थे अपनी अपनी स्टोरीज़, आपने क्या पढ़ा है, मैंने क्या पढ़ा है, और उससे हम सबका नॉलेज बढ़ता था और हमें पता चलता था कि अर्जुन क्या है, युधिष्ठिर क्या है, नकुल, सहदेव, भीम कैसे हैं। हमने एक दूसरे की हेल्प की, जो एक एक बुक हम एक्चुअली बुक्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तुम ये पढ़ लो तुम ये पढ़ लो, और नेक्स्ट डे वी यूज टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज थिंग्स, और जो भी हमने पढ़ा वो आपस में डिस्कस करते थे। तो उससे काफ़ी हेल्प मिली। मेरे बड़े भैया जो पिछले शो में मेरे बड़े भैया बने थे, उन्होंने, युधिष्ठिर ने मेरी काफ़ी हेल्प की, और साथ ही साथ हिंदी के लिए सहदेव की हिंदी काफ़ी अच्छी है तो उसने हिंदी में मेरी काफ़ी मदद की। मैं हिंदी पढ़ा ही नहीं हूँ तो हिंदी सीखनी पड़ी मुझे एकदम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक। शायद कास्टिंग इतनी अच्छी हुई है हमारी कि हर कोई कैरेक्टर एकदम एप्ट है। मतलब अगर आप दुर्योधन को देखो तो वो लगता है कि वो दुर्योधन ही है। आप जिस कैरेक्टर को भी देखो उस हिसाब से मुझे कृष्ण की कंपनी एक्चुअली अच्छी लगती है। ही इज़ व्हेन यू टॉक टू हिम, उससे जब भी आप बात करें उनका एक बहुत कामिंग इफेक्ट रहता है आप पे।